नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम थे वानला और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से आर्यन विलेज की तरफ। पर शुरू में जब हम यहाँ से निकले तो नज़ारे भी बहुत अच्छे थे और उसके साथ साथ मौसम भी एकदम सुहावना था। पर धीरे धीरे होने लगी बारिश और समय भी हो चुका था, दिन चढ़ चुका था, तो हमें भोजन भी करना था। तो बारिश में हमने ये सब कैसे मैनेज किया खुद देखिए। क्या हुआ सर? तो भाई अभी हम सब लोग आ गए हैं अपनी कैंपर वैन के अंदर। बाहर हो रही है बारिश और हमें करना है व्लॉग अपलोड। हम वानला से निकल के आ चुके हैं खल्सी और एक जियो के टावर के नीचे खड़े हो गए हैं, जिससे कि आप तक ये व्लॉग समय पे पहुंच सके। श्रीमती जी बना रही हैं अंदर भोजन। भूख के पति को खाना खिलाना है मुझे। भूख के पति को खाना खिला रही है तुम? हाँ। पति तुम्हारा भूखा है? हाँ। वो तो सब लोग जानते हैं। मतलब है सब लोग क्या जानते हैं? अरे रुक जा, ये गैस ऐसे मत रखना भाई। नहीं इसको तो मैं नीचे रख रही हूं ना पट्टे पे, मैं तो यहां की सेटिंग कर रही हूं, इसको निकालो। अच्छा ये विक्रम जी से, सर आप सीखेंगे आज रोटी? नहीं सर मैं नहीं सीखूंगा सर। तो कैसे सीखेगी? ये तो आपकी तरफ मुंह कर दिया इन्होंने, तीर कमान आपको थमा दिया। सर और फिर देखते क्या करना है। नहीं तो इन्होंने तो इसका डायरेक्शन तो आपकी तरफ कर दिया। सेक लेंगे सर, ऐसी कोई बात नहीं, सेक लेंगे। मैं भी सेक लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे ये तुम तो खा लेना बस, इतनी बात। तो ये हमारी कैंपर वैन के अंदर बन रहा है आज खाना। देखिए यार आप भी बोलेंगे क्या करते हो यार, बाहर बारिश हो रही है तो क्या करें। ये सब्जी जो हमने सुबह बनाई थी वो हो रही है गरम, उठ रहा है धुआं एकदम। विक्रम जी को आज लगा ही दिया सर, आपके नाना करते करते। और इधर रोटियां। तो चलिए करते हैं भोजन आज का और फिर बढ़ते हैं आगे आर्यन वैली। सर पहली रोटी है सर? तो भैया ये विक्रम जी बोल रहे थे मैं सीखूंगा रोटी, और ये देखिए क्या रोटियां सेक रहे हैं। मतलब ये बच रहे थे कुल मिला के सर आप, बाकी हुनर तो पूरा है सर। मतलब छुप नहीं पाया कि आपको रोटियां बनानी नहीं आती हैं, पता ही चल ही गया मतलब घर में रोटियां कौन बनाता है। क्या सर? तो ये भोजन बच्चों का भोजन पार्सल। टमाटर नहीं भेजे? ये नहीं भेजे, ऑर्डर किए थे तुमने? ऑर्डर किए थे जी उन्होंने, मैडम ने टमाटर ऑर्डर किए थे, वो आपने नहीं दिए? दो टमाटर मैडम, दो टमाटर पार्सल, मेरे फेवरेट टमाटर। तो अपना भोजन पूर्ण करने के पश्चात हम एक बार फिर बढ़ चले आगे आर्यन विलेजेस की तरफ। और रास्ता देखिए यहाँ का पूरा इतना खूबसूरत है। हमारी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लगातार लगभग मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही इंडस रिवर चलती है और बीच बीच में आते हैं छोटे छोटे गांव जिनकी आबादी मुझे लगता है कोई मतलब ये एक अंदाज ही लगा रहा हूँ मैं, शायद लगभग कुछ होगी 400-500 के आसपास, लोगों के आसपास। और पहाड़ उतने ही अच्छे जितने अच्छे लद्दाख में होते हैं। सड़कें मोर और लेस मतलब ठीक सी हैं, ऑफ रोडिंग नहीं है पर उतनी अच्छी भी सड़क नहीं है जैसा कि पूरा लेह हाईवे बना हुआ है, मतलब लेह श्रीनगर हाईवे बना हुआ है। जैसी सड़क इंटीरियर्स में होती हैं वैसी ही सड़कें हैं। तो इस प्रकार खूबसूरत फजाओं में इंडस रिवर के साथ साथ हम धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे आर्यन विलेजेस की तरफ। क्या सर? तो सर ये हानुथान विलेज है। अच्छा। और इसके आगे फिर दहा आएगा या एक और कोई गांव आएगा। अच्छा तो हम पता करते हैं यहाँ पे क्या है, कौन से हैं आर्यन विलेजेस यहाँ पे, तो किसी से पता करेंगे, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं है पूरी। ठीक है तो साइड लगाते हैं एक बार गाड़ी, कहीं जरा पूछते हैं यहाँ पे, है मार्केट से आएगा कुछ आएगी दुकान। तो अभी हम पहुँचे हानुथान करके एक गाँव है, आगे चलते हैं। मतलब आज तो अब 6 बज चुके तो नाइट होल्ड तो लेना ही है सही कहीं, तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं।
तो फिलहाल बज चुके थे शाम के 6 और अब हमें जगह सर्च करनी थी अपने नाइट होल्ड के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न और जो लग रहा था कि पिछले जहाँ पर भी हमने अभी तक कैंप किया लद्दाख रीजन में, वहाँ के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी अधिक थी। और वैसे भी आप देखेंगे तो नदी के फ्लो से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अब हम लोअर से हायर ऑल्टीट्यूड जा रहे हैं, हायर से लोअर आ रहे हैं। तो अभी हम नदी की दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो डिक्रीज हो रहा है, लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, तो गर्मी होना एकदम स्वाभाविक सी बात है। सो कोई ऐसे स्थान पे हमें नाइट होल्ड लेना चाहिए जो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हो, मतलब एटलीस्ट वहाँ पर इतना ठीक सा मौसम हो कि रात में बिना एसी के या बिना किसी पंखे वंखे के सोया जा सके। हमारी गाड़ी में तो ऑल दो सोलर है इसलिए हम फैन चला सकते हैं रात पर, पर विक्रम जी को क्योंकि रूफटॉप टेंट में सोना है इसलिए पर्याप्त कंसर्न रहता है कि आप जब अंदर सोएं तो ठीक ठाक सा टेम्परेचर उस जगह पर होना चाहिए। सो एनीवेज बढ़ रहे हैं आगे, उम्मीद है ऐसा कोई स्थान मिलेगा जहां पर हम आज का नाइट होल ठीक प्रकार से ले पाएंगे। हाँ जी सर, ये रोड तो फिर बटालिक जा रही है। अच्छा, तो बहामा एक आगे शायद गांव आने वाला है। ओके, अब कैंपिंग साइट कहाँ मिलेगी हमें ये देखना है हमको। ये कौन सा गांव है? ये भी कोई गांव है, ये मुझे भी आइडिया नहीं है, तो हम पता करें यहाँ किसी से। नहीं ये आर्यन स्टाइल विलेज थोड़ी लग रही है, ये नहीं है। तो आगे उन्होंने एक विलेज बताया है लास्तांग करके, वहाँ पर वो बोल रहे हैं अच्छी जगह, आपको अच्छा लगेगा, वहाँ एक ग्राउंड भी है और नहर का पानी भी है। तो चलते हैं वहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा हाइट पे, मतलब रोड से डाइवर्ट होके फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है। और क्योंकि मित्रों अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो पानी का लेवल देखिए, नदी का लेवल देखिए कितना बढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा घर यहाँ पर डूब गया है। और यही नहीं, ये फ्लो देखिए, मतलब इतना जबरदस्त है कि अगर इसकी चपेट में कोई आ जाए तो फिर बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर हम ऊपर चले गए तो हम दाह विलेज कैसे देखेंगे? दाह चलते हैं, पहले दाह का जो गेस्ट हाउस है बोल रहे हैं वहाँ पार्किंग है, वहाँ चल के देखते हैं, अगर नहीं होएगा तो फिर ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। आर्यन विलेज तो मेन वही है दाह, वहाँ पे वो है म्यूजियम है, वहीं चलते हैं। और देखिए पहाड़ों पे जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि पहाड़ पे से अच्छी खासी धूल उड़ रही है, तो ये सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि कहीं ये लैंडस्लाइड तो नहीं है। तो अभी हम रुके हैं यही कंफर्म करने के लिए, और इसको सुनिश्चित करने के पश्चात अब हम आगे बढ़े हैं। सो मुझे लगता है कि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, तभी आप इन सब वादियों का, इन सब नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। सो बस ऐसा ही करते हुए हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और नाइट होल्ड के लिए जल्दी से अब हमने तलाशनी है एक उपयुक्त जगह। अपने को तो कुल मिला के आज जहां रुकेंगे वहां कल रुकना है क्या? कुछ पता नहीं है, नहीं ऊपर और क्या है देखने जैसा? मॉनेस्ट्री है ऊपर बस, और म्यूजियम एक आगे है, पर वहाँ पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। हाँ, और ऊपर? ऊपर है पार्किंग। अच्छा, ऊपर ये वही गांव है जो वो बता रहे थे? हाँ वही जो बता रहे थे, लॉन्ग टैंक। चलते हैं ऊपर, ऊपर में क्या थोड़ा सा ठंडा होगा, 0.1 डिग्री। अरे सर वही रात के ही तो सोच रहा हूँ। एक मिनट, आपको तो होना चाहिए ना, हमें आर्यन देखने थे वो।
सो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम यहाँ से थोड़ा सा हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे। बियामा करके एक गाँव है, एक आर्यन विलेज है, जहाँ पर हम अपना नाइट होल्ड लेंगे। और यहाँ का मतलब इस गांव का जो अप्रोच रोड था वो इतने सारे उस पे हेयरपिन बेंड्स थे यार, एट टाइम्स तो हमें गाड़ी बैक लेनी पड़ी उन बेंड्स पे से मोड़ने के लिए, हमें विक्रम जी दोनों को। और वहाँ पर नीचे किसी ने बताया था आर्यन रिजॉर्ट्स समथिंग लाइक दैट करके कुछ है, वहाँ पर एक ग्राउंड है, वहाँ आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो चलते हैं उस स्थान तक, देखते हैं कि वहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क हो सकती है या नहीं। सर आर्यन वैली कैंप तो ये पीछे था, पर अभी ये और ऊपर जा रहा है, उन्होंने जो गोम्पा बताया है। तो वहां से चलें? वहां से चल तो रही है। अरे आप चिंता मत करिए, हमारी गाड़ी है, ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करिए हमारी गाड़ी को। चलिए बढ़िया चलती है। दोस्तों आर्यन विलेजेस इंडियंस के साथ साथ फॉरेनर्स के भी टूरिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई सारे लोग यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं। क्या रिसर्च करते हैं ये तो हम आपको आने वाले ब्लॉग्स में बताएंगे ही। फिलहाल दोनों तरफ हमारी गाड़ी के मतलब हमारी कैंपर वैन के दोनों तरफ है आर्यन विलेज, और खुबानी के पेड़ लगे हैं, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो धीरे धीरे ऊपर चल के बस अब हमें ये देखना है कि हमारी कैंपर वैन कहाँ पार्क हो सकती है, क्योंकि ठीक ठाक जब तक स्थान नहीं मिले तब तक नाइट स्पेंड करने का उतना आनंद नहीं आता। सो और बड़ी भी होती है भाई कैंपर वैन, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी रोड साइड लगा दी और उसके अंदर सो गए। तो ऐसे स्थानों पर ख़ास तौर से जहाँ पर पहाड़ होते हैं, वहाँ पर एक समतल ज़मीन ढूंढना और समतल ज़मीन के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं मतलब जैसे कि पानी हो गया इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तो वो अगर आसपास कहीं उपलब्ध हो तो फिर नाइट होल्ड लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम इस ग्राउंड में रुकेंगे और अभी अपनी कैंपर वैन को यहाँ पर लगाया है पानी भरने के लिए। देखिए पानी अब जोड़ी पाइप, हाँ जोड़ दिया ना। देखिए पानी गया क्या ऊपर, आप खोल दीजिए उसको, जा रहा है पानी, जा रहा है ए? पानी जा रहा है ऊपर। कैसे पता, आवाज आ रही है? मैंने हल्का ही खोला है। जा रहा है, तेज खोलेंगे तो उसको बांध के खोल दीजिए, दूं कोई चीज बांधने के लिए। नहीं 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 सर, उसको ऊपर नल पे बांधिए, इसको ना इस वायर को ऊपर नल पे बांधिए। छोड़िए इसको, खोलिए अब नहीं जाएगा बस, डन, अब पूरा खोल दीजिए उसको। सो फाइनली हमारे कैंप सेटअप हो चुके हैं, यहाँ पर लगी है विक्रम जी की कैंपर वैन और उधर लगी है हमारी कैंपर वैन। थोड़ा थोड़ा दूर इसलिए है क्योंकि लेवलिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। और भाभी जी बना रही हैं गर्मा गर्म चाय। तो इस प्रकार पूर्ण हुआ हमारा आज का दिन, और अगली सुबह यहाँ पर हमारी कैसी हुई, किन किन से हमारी मुलाकात हुई, क्या क्या हमने किया, ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।
ตาตาอย่าตัวเสียงจังโบโซซาโซและยามเบจามาตัวดาวโซซาโซตัวเสียงจังตัวดาวนาลัมเซียสิกามันโดชีตัวละตัวดาวเหล่าโมนาลัมเซยนิกามันโดชี ငါတယာတူမြန်ကဲကဘဇုံချီလညာမေဇာမမြန်ကဲကဘဇုံချီတနာကိုတုန်ချီလာဇလံဘီငါတယာတေငောတနာကိုတုန်ချီလာဇလံဘီငချီရောဇွန်မေငော